तो आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। गर्मी में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है रनिंग के लिए, और क्या क्या हमें करना है और क्या नहीं करना, उसकी आज मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ। मैं अब देश का इंटरनेशनल एथलीट, मेरे इंटरनेशनल मेडल भी है, काफी बार नेशनल मेडल भी है रनिंग में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी एकेडमी के एडमिशन ऑन है, जिसमें जो है नेशनल, इंटरनेशनल और आर्मी की भर्ती लिख के क्लियर करवाई जाती है। तो आप लोग आ सकते हो, नीचे नंबर है, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो हम टिप्स की ओर चलते हैं, गर्मी में क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गर्मी बढ़ने से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं, पहले हमें बॉडी के हिसाब से समझना है, ठीक है। जब भी गर्मी में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो हमारी हार्ट बीट 10 बीट, हार्ट बीट बढ़ती है पर आवर, ठीक है। हर घंटे हमारी 10 हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, जब भी 1 सेल्सियस बढ़ता है। तो इससे क्या है, इसका मतलब है कि हमारी रनिंग की परफॉर्मेंस गर्मी में डाउन होगी होगी, हम जितने भी एथलीट हैं, हमें जो है निराशा हासिल होगी गर्मी में, ठीक है। तो उस चीज़ को ज़्यादा दिमाग पर नहीं लेना, पर हमारे क्या कहते हैं स्पोर्ट्स साइंस के हिसाब से 20 डिग्री से ऊपर का जो सेल्सियस होता है, वो इतना फ्रेंडली नहीं होता रनिंग के लिए, मतलब इतना अच्छा नहीं होता। पर हमारे यहाँ से 50 डिग्री तक जाता है। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारी रनिंग की परफॉर्मेंस भी रुकी रहे और हमें जो है बॉडी को डिहाइड्रेट भी ना होने दें, ठीक है। तो क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेट होने की वजह से जो है हमारी बॉडी का क्रैम्स, इंजरी, परफॉर्मेंस डाउन होना, ब्लैकआउट होना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या क्या करना है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, हम लोगों को बाल छोटे रखने हैं, ठीक है, गर्मियों के टाइम पर। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि रनिंग वाले हैं तो इसलिए जो है बाल छोटे रखने ज़रूरी है, हमें पता। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जब भी आप नोट करोगे, हमारे जो पसीना आता है रनिंग के टाइम या कोई भी स्पोर्ट्स करते हुए, सबसे पहले पसीना हमारा यहाँ से आता है, ठीक है, सिर पे से आता है। क्यों आता है, जब भी हमारी जो हार्ट बीट होती है तेज होती है, तो वो जाके दिमाग को फोर्स करते हैं, ठीक है। दिमाग को फोर्स करने का तो पसीना नीचे डाउन आता है। इसकी वजह से क्या है, हमारे को जो अपना जो सिर है प्रेशर, उसको हमें कम रखना है। मतलब बाल बड़े रखेंगे तो सिर पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, उससे जो है हमें और ज़्यादा गर्मी लगेगी और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें बाल छोटे रख रहे हैं। दूसरा, हमें कैप लगा के नहीं भागनी है रनिंग में। अगर धूप ज़्यादा है तो आप कैप लगा के भाग सकते हो, पर आपको ज़्यादा धूप में भागना ही नहीं है, तो कैप लगा के रखोगे उससे ही प्रेशर आएगा। तो हमें अपने जो सिर है उस पर प्रेशर कम रखना है, जिससे जो है हमें रनिंग पे और अच्छा फील होगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ का क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 20 डिग्री से ऊपर जो सेल्सियस होता है, वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता रनिंग के लिए। तो हमें टेम्परेचर का भी रनिंग में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सुबह का टाइम जो होगा ना हमारा, वो हमें जल्दी ट्रेनिंग चालू करनी है, जिससे जो उस समय सेल्सियस कम होगा, तो हम अच्छा जल्दी ट्रेनिंग करेंगे, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। तो सुबह 5 से 6 बजे आप करोगे तो अच्छा होगा। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, गधों वाली मेहनत नहीं करनी। काफ़ी लोग क्या है, अपना लगे रहते हैं धुआंधार। गर्मियों में बॉडी को लोड नहीं देना। अगर हम जैसे ठंडों में प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारी रिकवरी हो जाती है, खाना भी पचता, गर्मियों में खाना भी नहीं पचता अच्छा पेट में, तो रिकवरी हमारी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आप लोगों को जो वर्कआउट करना है, वो करना तो उतना ही है जितना आप करते हो, पर उसकी जो है पेस रिड्यूस कर देनी है, मतलब कम कर देनी है, जिससे जो हमारी बॉडी पर लोड ना पड़े, और लोड ना पड़े और हमारी रिकवरी भी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो गधों वाली मेहनत नहीं करनी है गर्मियों में, ये भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ जो है, शाम की प्रैक्टिस जो होगी हमें 6 बजे के बाद करनी है, जिससे जो उस समय धूप का टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम होगा, और जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है। पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना आपको दिन का, ठीक है। उसमें कुछ मिला के पीना, खाली पानी पियोगे तो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो मैंने अपने यूट्यूब के चैनल, अगर कोई नए हैं तो पुराने उन्होंने भी देखी होगी, मैंने डाल रखी है, आप पानी में नींबू और चीनी नमक मिला के अपना इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हो अच्छा, ठीक है। तो ऐसे आप 4 से 5 लीटर पानी पियो, ज़्यादा भी पानी नहीं पीना। कुछ लोग एडवांस चलते हैं कि 5 लीटर के, हम तो 10 पीना, ज़्यादा पानी नुकसान करता है बॉडी को, ठीक है। तो लिमिट 5 लीटर से ऊपर भी मत रखना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तीन, चौथी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, हमें टी शर्ट जो है हमेशा हल्की पहननी है, गर्मियों में भारी नहीं पहननी है। काफ़ी लोग क्या हैवी टी शर्ट पहन लेते हैं, जिसकी वजह से पसीना ज़्यादा निकलता है। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे जो है बॉडी में वो पसीना निकलने से वाटर लेवल लॉस होता है, ना कि वेट लॉस होता है। वेट लॉस हमारा कार्डियो करने से, कोर करने से, इन चीज़ों से होता है।
और आप अगर ये हैवी चीज़ पहन कर भोगोगे तो पसीना ज़्यादा होगा और बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। हम लोगों को क्या है, अपर पहन के नहीं भगना है, हैवी टी शर्ट पहन के नहीं भगनी है, हमें भगना है सिर्फ और सिर्फ हल्की टी शर्ट या सैंडो में। आप ड्राई फिट की टी शर्ट ले सकते हो। और अब आपको चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको कभी भी अपना वार्म अप नहीं छोड़ना, गर्मी हो या ठंड हो वार्म अप अच्छे से करना है। और जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो लोग नए हैं और पुराने भी हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दिया करो कि इस चीज़ के ऊपर हमें वीडियो की नीड है। अगली वीडियो जल्दी 400 मीटर के वर्कआउट के ऊपर भी लाएंगे, सारी चीज़ के लिए लाएंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वेरीफाई अकाउंट है और सारी चीज़ें वहाँ हैं, वर्कआउट वगैरह भी मैं वहाँ डालता रहता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करना सभी लोगों पर। और जय हिंद, जय भारत।